शहर के पास ही मुफस्सिल में है ये शानदार मकान चौधरी हाउस। इसमें एक सुखी परिवार रहता है, उसी की ये कहानी है। क्या नाम है उसका? अब के तो तुमने बड़ी टेढ़ी चाल चली है बेटा। सेक्शन 29 एक क्लॉज 2 जरा मुझे देख लेना चाहिए। 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75। बस जयश्री, मैं कल्याणी के घर जा रही हूँ, तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो ना मंजली जी, इस मुसीबत से तो छुट्टी मिल जाएगी। ना बाबा, तब तो देवर जी मुझे भी हुक्म कर देंगे तुम्हारे साथ साथ रस्सी टापने का। अरे तुम अभी तक ऐसे ही खड़ी हो, शुरू नहीं किया? चलो 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 भाभी, तुम भी शुरू कर दो, इट्स ऑल्सो गुड फॉर यू। मैं तो दावत खाने जा रही हूँ देवर जी। ओ, लेकिन लालच मत कर बैठना ज्यादा खाने का। हाँ? अगर ज्यादा खा भी लिया तो क्या, घर में डॉक्टर तो है ही। नो 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 नो, ओवर ईटिंग इज वेरी डेंजरस। लुक, मुरली की धुन सुन, आई दादे जमुना के तट पर, जमुना के तट पर नीरत करत उठ, नीरत करत उठ, हिरत फिरत उठ, हिरत फिरत ऐसी चंद्र तपन, दिग्दिगना दिग्दिगना दिग्दिग थो दिग्दिग थो दिग्दिग दिग्दिग राम ततई ततई राम ततई ततई राम ततई। अरे रे 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 रे, इस तिहाई पर पहुंचकर तुमने सब घोटाला कर दिया। दुहाई है तुम्हारी, इस तिहाई से रिहाई दो मुझे। ओहो, बस गिनती में जरा सी गलती हो गई। मात्राओं को ठीक से गिनकर सम पर बम की तरह पैर पड़ना चाहिए। लेकिन मैं थक गई, रहने दो इस लय को, ये लय तो मेरे लिए प्रलय हो गए। प्रलय? अरे तुम पागल हो गई हो क्या? सारा संसार एक लय ही तो है, एक रिदम, एक ताल और कुछ नहीं। अरे तू तो मेरा चाल है चाल, ले इतना सबक की पीले घटाघट, शाबाश। महाराज, कमर को दूध कितना दिया? क्यों, 3 खर्चे दिए। मैंने कहा था ना उसे जरा ज्यादा दे देना, अभी अभी तो वो बीमारी से उठा है। चंपा बेटी, तू भी जरा ध्यान रखना सब तरफ। मेरे किए क्या बनेगा बड़ी मालकिन, ये ठाकुर जी महाराज तो अफीम खाकर। खबरदार चंपा, मैं हूँ जो इस रावण जैसे बड़े परिवार के खाकर। राम राम राम, जो मुँह में आता है बके जाते हो महाराज। आज तुम इस बात का फैसला कर दो जीजी। किस बात करी? मुझे आज ही मैके भेज दो, आज ही। अरे अभी तो सुना था कि तू दावत खाने जा रही है और अब तुम मचल रही है मैके जाने को। आखिर बात क्या है? मछली देवर जी तुझे दावत पे नहीं ले जाना चाहते हैं क्या? पता नहीं, बड़े भैया से इजाजत ले दो, मैं आज ही मैके चली जाऊंगी। बड़ी जी जी, मुझे मैके भेज दो। अब तुझे क्या हो गया अभी? मछली के रूठने का कारण तो मैं समझ गई। मछली जी जी को तो कभी कभी शौक हो जाता है रूठने का। है, मछली जी जी का शौक हो जाता है और तुझे? मेरी तो यहाँ जान बरा बनी है, नाचते नाचते मेरी कमर ही टूट गई। बड़ी जी जी, ओ तू भी मैके जाना चाहती है? हाँ, बड़े भैया का हुक्म दिला दो। क्यों, मेरे डॉक्टर देवर से झगड़ा ही है क्या? झगड़ा करने की फुर्सत ही कहाँ मिलती है, रस्सी लेकर कुत्ते कुत्ते ही जान निकल जाती है मेरी। नहीं नहीं जी जी, मैं जरूर मैके जाऊंगी। मैं जाऊंगी, पहले मैंने कहा था। नहीं नहीं जी जी, मैं सबसे छोटी हूँ, छोटों की बात रखना ही चाहिए। हे भगवान, तुम सबके सब मैके जाना चाहती हो तो मैं यहाँ किसको साथ लेकर रहूंगी? वो इंजीनियर देवर तो पहले अपनी बहू को लेकर बनारस में रहते, और अब वो सब हम कुछ नहीं जानती। बस तुम इजाजत ले दो तो तू जरूर जाएगी। हाँ हाँ, और छोटी तू? मैं भी जाऊंगी, बस वहां जाकर आराम से सिनेमा देखा करूंगी। और तू जयश्री? कहा ना मैंने। अच्छा, जब तुम सबने फैसला कर ही लिया है तो मैं उनसे पूछ देखती हूँ, शायद ऊपर होंगे। ओ, तुम सब आ गई, अच्छा हुआ भाई, बड़ी मुश्किलों से उन्हें राजी किया है, अब तुम सब अपने अपने मायके जा सकते। अगर नाच बंद कर दिया तो कहीं गठिया उठिया की शिकायत तो ना हो जाएगी जीजी? हुक्म तो दिला दिया, पर ये भी सोचा है बड़े भैया को देखे बिना कहीं मेरा राज उदास होकर बीमार तो नहीं हो जाएगा। उन्होंने हाँ कर दिया और हम मान गई। बता दो कमल जाकर किसके पास सोएगा? हम सबको मायके भेजकर ये अकेली राज करेंगी। हाँ,
अगर हम ना जाए तो क्या कर लोगे तुम? जवाब क्यों नहीं देती? पता है, मुझे सब पता है। मेरे देवरों के बिना तुम सब एक दिन भी कहीं नहीं रह सकती। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हाँकना जानती हो। मेरे देवरों जैसे लड़के दिन में चिराग लेके ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। तुम्हें यही एक बुराई है जीजी, सिर्फ उन्हीं की अच्छाइयाँ देखा करती हो और हम तो जैसे तुम्हारे कुछ है ही नहीं। अरे पगली, तुम्हारे बिना मेरा और है ही क्या? तुम सबको मिलाकर तो ये मेरी छोटी सी दुनिया बनती है। तुम सब मेरी घर की लक्ष्मी हो। लक्ष्मी चीज है। दिनेश सबकी सेहत ठीक रखना चाहता है। हाँ, क्या नाम है? छोटी बहू रानी कहाँ गई? आपके लिए पान लगा रही है, आती होगी। अच्छा अच्छा, बड़ा मजा रहेगा। गणेश चाचा जी और चाची जी आने वाले हैं। हाँ, देखना हमारे लिए कितनी चीजें ले आएंगे। अरे अरे, चुप, गड़बड़ कर दिया होता। अभी तुम कहाँ जा रही हो? लाइन में खड़ी हो जाओ। हटो भी, हमेशा बचपना। ओहो, बचपना नहीं, जैसे बच्चे का बाप करे, जैसे बच्चे करे वैसे बच्चे की माँ करे। चुपचाप खड़ी रहो। तुम तैयार हो बच्चों? रेडी? हाँ, 1 2। पिताजी आ गए। चलो चलो। अरे वो आ गए। जी जी, वो सब आ गए। चलो चलो चलो। अच्छा चलो, अब चलो। भाभी आ गई। देवर जी। भाभी, आपने इतनी देर कहाँ लगा दी? यहाँ चिल्लाते चिल्लाते गला दुखने लगा। तो आखिर इतने चिल्लाने की भी क्या जरूरत थी? ये लीजिए। अरे साहब, एक बरस के बाद तो होम कमिंग सेरेमनी हुई और चिल्ला क्यों रहे हैं? गणेश, तू आ गया। जीता जीता, सदा स्वागत रहो। अंजलि बाबू, आप आ गए। अरे माधो, बड़ा खुश नजर आ रहा है। अरे क्या बात है? अरे आप बनारस से आए हैं, बहुत से मिठाई लाए होंगे। अरे खाने को मिलेंगी। मिलेगी मिलेगी। चल गाड़ी से जाकर सामान उतरवा। गणेश, तुम भाइयों का आपस में जो प्रेम है इसकी भी कोई मिसाल नहीं। तुम्हें देखकर आंखें ठंडी हो जाती, जैसे कलयुग में पांडवों ने अवतार लिया। जी, आप तो अजीब बात कर रहे हैं। चलिए जी जी, तुम भी बस अजीब हो। करना क्या था और कर क्या गई? बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। तुम लोगों ने तो नाक में दम कर रखा है। मैं मर भी जाऊं तो ये बात मुझसे नहीं होगी। बाबा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इस झमेले में मत डालो। तुम्हारे किए कुछ नहीं होगा। अब के मुझे और छोटी को कोशिश करने दो। तुम दोनों ये काम कर सकोगी? जरूर कर सकेंगी। तुम हमें एक चांस तो दो, और फिर तुम्हारे देवरों के लिए हम अभी पुरानी नहीं हुई है। हाँ, पर शर्त ये है कि बड़ी जीजी को बात करने की एकदम मनाई। बस मुंह सी कर बैठना पड़ेगा। उसकी जिम्मेवारी मैं लेती हूँ। महाराज, बाहर जाओ, मीटिंग हो रही है। अरे हर वक्त मीटिंग मीटिंग, तो ईटिंग कब होगा? खाना कब बनेगा? मालती, दरवाजा बंद कर ले। ये लो। अरे वाह, आज राजू तुम्हारे पास कैसे? क्यों, क्या मैं बच्चे को प्यार नहीं करती? नहीं नहीं, ये बात नहीं है। मैंने तो इसलिए कहा था कि ये तो सबसे बड़ी भाभी का खास डिपार्टमेंट है। हेलो। आ राजू, अब दूध पी ले। अरे कितना सा दूध? तुम तो सिर्फ रूल बना देते हो। 50 औंस तो 50 होते हैं, यहाँ तो 5 औंस दूध भी बच्चे के पेट में जाना मुश्किल है। क्यों भला? क्यों क्या? चंपा, ले जरा राजू को नीचे ले जा। आओ बेटा, चले। घर में सिर्फ तुम्हारा ही बच्चा तो नहीं, और भी तो बहुत से हैं। ये खूब रही,
अरे दूध तो उसके लिए स्टेपल फूड है, स्टेपल फूड। कहना तो नहीं चाहिए पर भगवान ने बच्चे भी तो बड़ी भाभी को ज्यादा दिए हैं, सो दूध उबलते ही तीन एक शेर तो पहले उन्हीं के कमरे में पहुंच जाता है और जो बाकी बचता है उसमें पानी वानी मिला के। क्या कह रही हो, दूध में पानी मिलाकर? नहीं नहीं, दूध तो उसकी सबसे बड़ी खुराक है। ऐसे ही होता है बड़े बड़े कुंभों में, बच्चा भूखा रो रहा था पर मैं कभी कहती हूँ ऐसी छोटी मोटी बातें तुमसे, मर्दों के कानों में ऐसी बातें पड़ी कि बस फूट के बीच पनपना शुरू कर देते हैं। तो क्या मेरे इकलौते बेटे को पूरा दूध भी नहीं मिलेगा? तो क्यों नहीं कर लेते दूध का अलग इंतजाम? सिर्फ बोल देने से अलग इंतजाम थोड़ी हो जाता है, उसके लिए तो। अच्छा तुम्हारा हिस्सा पुरखों की इस जायदाद में से होने वाली आमदनी में कुछ है या नहीं? अगर दिनेश ने बंटवारे का सवाल उठाया है तो इसका हिस्सा इसको देकर अलग कर दो, और अगर ये राजगंज जाने को तैयार नहीं तो इसका भी हिस्सा दे दो और इसको भी अलग कर दो। अलग कर दो? अरे रमेश ये सब क्या हो रहा, क्यों गणेश? मैं कहता हूँ भैया सुरेश और दिनेश दोनों को अलग कर देना चाहिए। अरे ये कोई आसान काम नहीं, हिंदू ज्वाइंट फैमिली यानी संयुक्त परिवार, इसमें एक भी आदमी अलग होना चाहे तो सबके हिस्सों का पाई पाई का हिसाब करना पड़ेगा। लो हद हो गई, क्या मैं बंटवारा करवाना चाहता हूँ? दूध ही राजू के लिए स्टेपल फूड है, वो भी अगर खालिस न हो। होगा भाई सब होगा, अलग अलग इंतजाम करने से खालिस और मनचाही चीजें मिलेंगी। लेकिन हिंदू जॉइंट फैमिली बंटवारे का मामला दायर करना कोई हंसी खेल की बात नहीं है, कागजात तैयार करने में बहुत दिन लग जाएंगे, लेकिन उस दौरान में कोई नई गड़बड़ शुरू ना हो जाए इसके लिए पूरा पूरा इंतजाम करना चाहिए। बस तो ठीक है, अगर दूध ही के कारण झगड़ा शुरू हुआ है तो सबकी रसोई अलग अलग हो जाए, फिर तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। अरे बाबूजी अंधेरे में बैठे हुए आप क्या कर रहे हैं? ओहो हो, चाय भी पड़े पड़े ठंडी हो गई, दूसरी चाय लाऊं? नहीं चाहिए। बहुत अच्छा। माधु सुन। जी बोलो। कुछ नहीं, जा अपना काम कर। सुन तो। बोलिए। ये चिट्ठियां डाकखाने में डालाऊं? नहीं, बड़े बाबू छोटे बाबू सबको एक एक दे देना। मालिक आपकी चिट्ठी। कैसी चिट्ठी रे? मंझले बाबू ने दी है। चिट्ठी क्यों? आज रात 8:30 बजे ड्राइंग रूम में बंटवारे के लिए मीटिंग होगी। तुम सबकी रजामंदी है ना? मैं क्या कहूं, बड़े भैया से पूछ लो। मेरा मतलब यह है, मैं ये कहना चाहता था कि जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो। मेरा मतलब यह है कि मैं ये कहना चाहता था कि ये कागजात अगर एक बार सब बहुओं को दिखा दिए जाते। बहुओं को? रमेश इस मामले में बहुओं को? तो ठीक है, अगर इनके लिए बहुओं की राय इतनी लाजमी है तो उनको बुलवाया जाए। माधो माधो। आया आया मंझले बाबू। तू कहां मर गया था? चिलम में तमाकू भर रहा था। जा सब बहुओं को बुला ला, कहना मैंने बुलाया है। अरे रमेश तुम समझते नहीं हो। नहीं भैया रात बहुत होती जा रही है, फजूल देर करने से क्या फायदा। ओह गणेश भैया क्या हुआ? गणेश क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे चक्कर आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं। हाँ ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ गया? तेरा बैग गणेश। गणेश अरे किशन मैं ले लूंगा। किशन भीगू। किशन गणेश सिर्फ आज का दिन तुम अपने हुस्न की तरह बंद रखो, मतलब ये बात बहुत बढ़ गई है। अब ये भयानक तमाशा मुझसे नहीं देखा जाता। तुम तो यूं ही मरी जा रही हो, ये सब कुछ कोई सचमुच में होगा नहीं। मैं सच में कुछ नहीं जानती, मैं अभी जाकर सब कुछ बताएगी। मंजू का मंजू जी जी को जल्दी पान और जरदा देते थे। जी जी चाय पियोगे? क्या बकते हो तुम, सोच सोच के मरी क्यों जा रही हो? हम सब कुछ संभाल लेंगे, बस वक्त आने पर उन्हें बता देंगी कि आपकी हेकड़ियों से परेशान होकर हम सब औरतों ने मिलकर आपको उल्लू बनाने के लिए एक नाटक रचा था। बस मालती जीजी का हाथ खोल दे तो आप।
गणेश भैया, आंखों के आगे धुंधला बनता तो नजर नहीं आता ना? नहीं आता। आता है। बेवकूफ है, सुना उसने 2 रुपए के पकौड़े मंगवा कर खाए। मजले बाबू लुटिया डूब गई, आप लोगों का बेड़ा गर्क हो गया। चिल्ला मत, रात की बात है मजले बाबू। चुप रह। बड़े बाबू जरा इनसे कहिए ना मेरी बात सुन ले। रमेश ये देख तो सही क्या बोलना चाहता है। जल्दी बता क्या बात है, वो लोग आए क्यों नहीं सबके सर? अरे वो कैसे आते, वो लोग तो ऊपर बैठकर आप लोगों को उल्लू बना रहे। उल्लू? कौन, कहां, किसे? आप लोगों को और किसे? आप लोग तो यहाँ बंटवारे के चक्कर में हैं और ऊपर सारी भुएं गले मिल मिलकर हंस रही हैं आपकी बेवकूफी पर। हा? और सारी मुसीबत की जड़ मंजली बहू। क्या कहा, मंजली बहू? जी हाँ। ओ ये बात, बस बस जान में जान आई, अब राजू के साथ एक बाजी सतरंज की हो जाए तो। ओ, तो तुम सभी यहाँ हो, ठीक है। हमारे बंटवारे के कागजात तैयार हो चुके हैं, कल अदालत में फाइल कर दिए जाएंगे। हम पांचों भाइयों ने तो साइन कर दिए, अब तुम लोग गवाहों की जगह साइन कर दो। जज साहब का हुक्म है, इसमें कोई रद्द बदल नहीं हो सकती। हे भगवान, ये क्या सर्वनाश हुआ चाहता है? नहीं नहीं, अब तो जो होना था सो हो चुका। कल से जमीन, जागीर, दर, दरवाजा, कपड़ा, लत्ता, मोजा, जूता, टोपी सब अलग, एकदम अलग। क्यों मजले भैया? ठीक, सो लाने ठीक। लो भाभी दस्तखत कर दो। लेकिन तुम्हें ये बंटवारा कर डालने को कहा किसने था देवर जी? कहेगा कौन, हम मर्द हैं मर्द। राइट, कोई मोम की नाक या गीली मट्टी नहीं जो किसी के हुक्म के मुताबिक हम काम करें। हमारी मर्जी इस घर का कानून है। हम पांच भाइयों ने एक राय होकर ये फैसला किया है कि बंटवारा कर लेना ही ठीक है। क्यों बड़े भैया? पहले तुम दस्तखत करो। सुनो तो, अगर बंटवारा न किया जाए तो? मतलब यही कि जो होना था सो हो चुका है, अब और ज्यादा। कोई बच्चों का खेल है, जज साहब के हुक्म से ड्राफ्ट बनाया जा चुका है, कोई तरीका नहीं बचत का। ओए मां, मैंने कहा जी जरा तुम ही मंजले भैया को समझाओ ना। मंजले भैया को समझो? अब इसमें समझाना ही क्या रह गया। राजू मेरा इकलौता बेटा है और उसको भी दूध पानी मिला हुआ। दूध तो उसका स्टेपल फूड है, ये बंटवारा होके रहेगा। मैं कहती हूँ कि तुम दस्तखत करो जी, कुछ कहने की जरूरत नहीं, बंटवारा हो जाने पर चैन की सांस तो लेंगे। बंटवारा? देखो जी मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अरे अरे इसमें हंसने की कौन सी बात है रे? बंटवारे की खुशी अगर समा नहीं पाती है तो अपने कमरे में चला जा और खूब खीखी 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 करके हंस। वहां मजले भैया कागजात भेज देंगे और तुम सब दस्तखत करके वापस कर देना। यहाँ तो हमारे पुरखों की जायदाद का बंटवारा हो रहा है और इसकी खुशी है कि बस फूटी पड़ती है। चलो बस, चलो चलो अपने अपने कमरे में। ये तो ठीक ही हुआ, रोज रोज के झगड़े से तो बचे। ये झगड़े नहीं थे, ये सब झूठ था। झूठ? झूठ? झूठ माने? माने ये कि तुम सब भाई आपसे प्यार की टीम हका करते थे ना, इसलिए हम सब ने, यानी मालती, जयश्री, मंजू, मैं, हम सब ने मिलकर साजिश की थी कि तुम्हें सबक मिले। ओ तो तुम हमें सबक सिखा रही थी, साजिश। इसी वक्त टुकड़े टुकड़े कर दे, आग से खेलना चाहता है। बहू तुम जरा भी नहीं घबराओ, अरे हार तो हम दोनों पार्टियों की हुई है। हाँ भाभी, 50-50। अरे इसीलिए तो स्त्री को हिंदी में अर्धांगी भी कहते हैं। और हाँ, अंग्रेजी में बेटर हाफ, हिंदी से एक कदम आगे।